नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्कशेक। आज हम मिल्कशेक मैंगो से नहीं, आज हम मिल्कशेक कस्टर्ड पाउडर से बनाएंगे। जिसके लिए मैंने एक कटोरी ली है, उसके अंदर हम 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ सा घोल बना लेंगे। घोल के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं घोल बनाने में। पानी या दूध आप कुछ भी यूज़ करें तो थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें। देखिए घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, गैस ऑन कर देंगे। दूध को हम उबाल लेंगे। देखिए दूध हमारा उबल गया है। अब हम इसके अंदर 8 चम्मच शुगर की डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे शुगर को। अब हमने जो घोल बनाया था वो थोड़ा थोड़ा दूध के अंदर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर आपके दूध में लम्स पड़ जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप या तो रेल ले लीजिए या फिर विस्कर ले लीजिए, उससे इस तरह से चला दीजिए। सभी लम्स दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अनुसार एसेंस भी डाल सकते हैं। अगर आप एसेंस डालें तो इसे ठंडा करके ही डालें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं इसके सारे लम्स जो है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा कस्टर्ड मिल्कशेक बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। देखिए मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज में रखा था। हमें इस तरह का गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए। देखिए इस तरह का गाढ़ा। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर ठंडा ठंडा कस्टर्ड डाल देंगे। फ्रेंड, इस वक्त आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एसेंस यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने कस्टर्ड डाल लिया है। अब हम इसमें फ्रूट क्रीम डालेंगे। ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। फ्रूट क्रीम की जगह आप दूध की ताजा मलाई भी ले सकते हैं। मैंने 3 चम्मच फ्रूट क्रीम ली है, इससे हमारा मिल्कशेक जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा और क्रीमी क्रीमी बनेगा। अब हम इसे ढक लगा के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, ये एकदम क्रीमी क्रीमी हो गया है। अब हम इसे गिलास में डालेंगे। मैंने 2 कांच के गिलास लिए हैं इनको सर्व करने के लिए। देखिए इसके अंदर डाल देंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी क्रीमी बना है और ये बहुत ही टेस्टी है। ये ठंडा ठंडा बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। आप एक बार इस तरह से कस्टर्ड मिल्कशेक ज़रूर बनाएं। मैंने जेली ली है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें। स्ट्रॉबेरी जेली ली है मैंने, नहीं तो ना डालें। आप इसके अंदर जेली भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो डालें, वरना ना डालें। ये बिना ड्राई फ्रूट बिना जेली भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये टेस्टी सा और सिंपल सा मिल्कशेक आप एक बार ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को और फैमिली को ज़रूर बनाकर पिलाएं। सच कहती हूँ, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग है। मैंने 1 में जेली डाली है, 1 को पिस्ते से गार्निश करा है। ये दिखने में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और पीने में तो बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप बनाएंगे और पियेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके टेस्ट का। प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करें।
फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।